बहन प्रेतों से ज्यादा नीचे वाली लाइन खतरनाक है। जाओ सीताराम। इधर आओ। क्या नाम है आपका? माइक लो, माइक उठाओ, माइक उठाओ, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? वन्या। कहाँ की हो? गाजीपुर बनारस। आए हाय 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 हाय, का बात बा। कुछ खा पी कर आई हो? हाँ, सब्जी रोटी खाई। सब्जी में नमक ठीक था? हाँ। अच्छा बताओ क्या आज्ञा है हमारे लिए? सर्दी जुकाम हो जाता है कई दिनों से। आए? सर्दी जुकाम हो जाता है? चॉकलेट तो नहीं खाती हो? खाती हूँ। हाँ, इसीलिए जुकाम हो जाता है। अब कम खाना। आपको श्लोक आते हैं? नहीं, अभी नहीं आते हैं। बड़ी चटर पटर बिटिया है। अच्छा पापा का क्या नाम है तुम्हारे? विजय मौर्य। आए। और माता जी का? माँ का क्या नाम है? सीता मौर्य। अच्छा आई हैं क्या यहीं? कौन कौन आए? आज मिलने आई हैं। ओ, हमसे मिलने? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम मिल लेंगे। ओके ओके, प्रसाद दे देना लाल। क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्राण चाहिए हमारे? क्या चाहिए? इधर आ, इधर आ। अरे ले लो, अरे ले लो। चॉकलेट चाहिए? ये ले, ये तो। अरे ये ले लो। इस बच्ची को चरम रोग बनता है, ठीक हो जाए। अरे नहीं, प्लीज 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 प्लीज, लिए रहो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं तो मार खाओगे। अच्छा ले लो, ले लो, ले लो। डरो मत, डरो मत, डरो मत। लो, देवी हो तुम तो, माता हो, ये खा लो। आ करो, आ करो। हेलो हेलो। अच्छा इसको दे दो बच्ची को। उठो, एक कोई भी चारों में से कोई उठ जाओ जो बहुत वो हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं आना, सामने ही रहना। ये तो हम जिनको बुला रहे, हो सकता ये हमारे आदमी हो, शायद हो सकता जिनकी हम अर्जी लगा रहे हैं उनको पहले बैठा दिया हो। अब इस बच्ची के बाद हम पर्चा बनाएंगे, पर्चा हम पहले से बनाकर रखेंगे, पहले से लिखकर रखेंगे। 2.5-3 लाख लोगों में आप जिसको उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। भाई यहां तक तो हो सकता कि ऐसा है नहीं, खैर बहुत लोगों ने शोध किया हम पर कि हमारे दरबार में एकदम स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हम पर्चा लिखेंगे बिफोर टाइम, पहले से पूरा। अब वो क्या बोलेगा, क्या बात बोलेगा, ये भविष्य पर निर्भर है। पर 2.5 लाख लोगों में पुरुष स्त्री बालक वृद्ध आप जिसको लाएंगे उसका पर्चा निकलेगा। ये कैसे होगा लगाना अपनी बुद्धि। पहले हम बिटिया का बना लें, इसके बाद अभी आप खड़े हैं। माइक लो। हर हर महादेव। महादेव कहाँ से हो? काशी विश्वनाथ जी के पास रहते हैं। अरे वाह, भाग्यशाली हो, अच्छे से ठीक से बैठ जाओ। तो किसने बताया आपको दरबार के बारे में? महाराज जी, हम YouTube पे ही देखते थे, फिर धीरे धीरे बालाजी के संगत में आए, फिर आपसे सुनते कथा सुनते थे। अरे वाह। फिर हमें लगा कि जिस दिन हमने मतलब लगा मन से कि हमें जाना है, आप खुद ही उस दिन समाचार आ गया कि आप यहीं पे आएंगे। अरे वाह जी, बहुत पहले काशी आए थे तब प्रण ले लिया था। बोलो क्या विषय? जी, मैंने UPSC का एग्जाम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी एक प्रश्न और लिखा है, दो आए हैं आपकी पर्चा में। जी,
मेरी माँ की भी तबीयत खराब है। घर पर कृपा होगी, माँ स्वस्थ होगी, दरबार में जॉब की अर्जी लेकर आप आई हैं, मनोरथ पूर्ण होगा यूपीएससी में, घर में आज से ही सुख शांति बनी रहेगी, आशीर्वाद गुरुदेव महाराज की जय। यही लिखा है जी? बराबर, बिल्कुल। खूब भक्ति करो, बालाजी कृपा करें जी, आशीर्वाद। गुरुदेव जी एक और है कि मेरा भाई एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, तो क्या वो सफल होगा जी? मेरा भाई एक्टिंग की लाइन में जाना, भाई एक्टर बनेगा, अभी कमजोर है तैयारी जी, अभी तो यही तेज करवाएं जी। हमें पता था, पूछो। बालाजी महाराज की जय। उसे एक बार दर्शन करवा देना जी, अभी तैयारी उसकी बिल्कुल कमजोर है जी। माँ को लाना है जी, माँ के पूरे शरीर में दर्द बनता जी, पूर्व में इन्फेक्शन बना था जी जी, पूर्व में इन्फेक्शन बना था, डॉक्टर ने इन्फेक्शन घोषित किया था, अब वर्तमान में कंट्रोल है, खून की दिक्कत इन्हें बार बार बन जाती है, एक बार इन्हें बागेश्वर बालाजी के दर्शन करवाइए, कोई भी भूत बाधा तंत्र बाधा नहीं है, थोड़ी सी मसान की दिक्कत जरूर आई है, अब वो स्थान का मसान हो सकता है जी, तो माँ जब धाम पर पहुंचेंगी, चूंकि सांप के रूप में नाग के रूप में निकलता भी है वो मसान, तो माँ जब धाम पर पहुंचेंगी उसे बंधवा दिया जाएगा, आशीर्वाद। गुरुदेव जी की जय, बालाजी महाराज की जय। जय। कैसे बुला लिया लाखों लोगों में, चूर हो रहे हैं, खुश रहे हैं, रोते दौड़ी हैं, देखो हनुमान जी की लीला कैसे बुला ली, आ जाओ नजदीक, बस बस रोते थोड़ी हैं, हनुमान जी की लीला देखो, तुम कह रहे थे क्या पता सुनेंगे कि नहीं, लाखों लोगों में हमको बुलाएंगे कि नहीं जी। गुरु जी सीताराम। सीताराम कहाँ से हो? प्रयागराज। अच्छे से बैठ जाओ बिटिया। बाद में साधु जी, सीताराम बेटा आओ नजदीक माइक्रो, क्या बात है? गुरु जी मेरी खेती बाड़ी घर द्वार लोगों ने हड़प लिया, वो खेती बाड़ी घर द्वार लोगों ने हड़प लिया और मेरे ऊपर ऊपर से तंत्र मंत्र कर दिया, एक मंदिर गए बालाजी का, वहाँ मुझसे पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, मुझे नहीं पता क्या मुझसे भूल हो गई, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, वो बाबा जी जो सेवक है उन्होंने कहा मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊँगा जाओ, मुझसे उन्होंने कहा कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा जाओ, और उन्होंने सब वो सपनों में मुझे दिखते हैं, मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं बीमार पड़ी थी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पर, मैंने बाबा से प्रार्थना करी, आप सपनों में आए, सपनों में दो लड्डू लेकर आए, कहे बिटिया लो खा लो ठीक हो जाओगी, मैं ठीक हो गई, यहाँ तक आ गई बाबा। वाह, मैं ठीक हुई यहाँ तक आ गई बेटा, हम तो सपने में गई इतनी है, हम तो जा रही सोते ही रही, गुरु जी पहुंच जा। एक दिन और सपनों में देखे आपके साथ गाय थी और मोर पंख थे, आप हंस रहे थे, अब तीन बार सपनों में हम कम रो इतनी है बेटा, हमारा स्वभाव जी गुरु जी। लो बेटा पढ़ो, पूरा घर बिखर गया, उत्पात मचा, परिवार में सब हड़प लिया, भूत बाधा का प्रभाव शरीर पर कर दिया, कृपा होगी तंत्र कटेगा, आप जो अर्जी लेकर आए हैं भूत विद्या कट जाए, पागलपन ठीक हो जाए, दिमाग ना चढ़े, सवारी ना बने, वह उल्टे उठपटांग हरकतें में विचार न आवे, वो कंट्रोल होगी, एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, वह पूरे शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, जैसे अति पागलपन जिसे कहते हैं, डॉक्टरी इलाज में सब नॉर्मल है, समझ में नहीं आ रहा वो भी आपने करवा लिया, स्वयं भी पढ़े लिखे हैं, तंत्र विद्या गंदी घर को बर्बाद करने के लिए की गई है, इसमें शमशानी विद्या का प्रयोग है, बालाजी के चरणों से सेना पहुंच चुकी, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, हमेशा ठीक रहेंगे, आशीर्वाद। इसमें पहले मानसिक स्थिति आपकी ठीक हो जाए, चूंकि अभी तो बहुत दुष्प्रचार हो गया, हमारी बात समझ रहे हैं, हम माइक की मर्यादा से बोल नहीं पा रहे, जो हमें बोलना चाहिए हम वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि गद्दी की मर्यादा है, आप एक स्त्री बच्ची हो और जो है आपकी मर्यादा है, हम लेकिन लिख देते हैं, पढ़ लेना,
आप नीचे वाली लाइन पढ़ो, सबसे नीचे वाली, ये वाली, यही है ना, ये दिक्कत है, इसीलिए समस्या बन रही विवाह में, विवाह में जो रुकावट बन रही। अब माइक ले लो आप, जो विवाह में रुकावट बन रही वो इससे बन रही, ये लाइन से बन रही। तो इस पर कुछ जगह पर आप आउट ऑफ हो, सुधरो, भगवत भजन करो, बालाजी कृपा करें, और आज से ही सुधरो बहन, नहीं तो अगली बार हम बेइज्जती करेंगे। समझ गई? खुश रहो, जाओ। खुश रहो।